अंधो भैरव। रास्ते में बहुत ही शानदार नज़ारा देखते हुए पता ही नहीं चला कब हम लोग त्रिपालीसैंण पहुंच चुके थे। यहाँ पे हमने देखा एक व्यक्ति मूली धो रहा था, पहाड़ी मूली जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो सबका सलोट खाल काल भैर
दिन के लगभग 12 बज चुके हैं और हमारी पूजा भी समाप्त हो चुकी है। गुरी पुष्पा के हाथों प्रसाद वितरण करते हुए तो गाइस हम लोग जा रहे हैं मूल देने और भूली पुष्पा रुपए दे दिए कि एक कट्टा उसको मूली चाहिए पूरी 50 किलो। कितने पुष्पा? 100 रुपए की मूली चाहिए पुष्पा को। और बाकी हर्षु भाई भी हमारे साथ है। खैर मैं उम्मीद कर रहा और दामो भाई नाराज। पहले भी इनको घपका दो, बड़े लकड़ी हाथ पकड़ लेगी।
क्योंकि सच में यही खूबसूरती है गांव की। थकावट का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। जब सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, गप्पे हाँकते हैं,